हमारे बुजुर्गों का एक तरीका चला आया है कि जब किसी मुसलमानों पर कोई इज्तिमाई किस्म की मुश्किल आती है या खतरात दरपेश होते हैं तो घरों में भी पहले 1.25 लाख आयत करीमा का ख़त्म किया जाता था। मैं बच्चा था छोटा सा, तो मेरे बचपन में याद है कि जब पाकिस्तान बनने वाला था और मुसलमानों के ऊपर ज़ुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, तो उस वक्त हमारे घरों में, हर घर में आयत करीमा का ख़त्म होता था और आयत करीमा के ख़त्म के बाद दुआ होती थी। हमारे महल्ला था देवबंद में, उसके हर घर में आयत करीमा